हेलो गाइस, वेलकम बैक टू किसमिस किचन। किसमिस किचन में सभी की स्वागत है। आज बहुत दिन बाद एक नया रेसिपी लेके आई। ये ताल बोलते हैं और इंग्लिश में प्लैम बोलते हैं, तो इससे मैं एक रेसिपी बनाऊंगी। आप लोग देखिए। अभी मैंने ये जो प्लैम है इसको मैंने निकाल लेती हूँ। इसको जो जूस है उसको निकालना है, तो कैसे करके पहले मैंने इसको ऐसे छील लेती हूँ। अभी मैंने ये ताल को छील लिया। अभी इसको जो अंदर जूस है वो निकाल के अब मैंने दिखाते हैं कैसे करके जूस को निकालना है। अभी मैंने इसको जूस कैसे करके निकालते हैं मैं दिखाती हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे पानी मार के इसके थोड़ा नरम कर लेती हूँ। इसके अंदर जो जो जूस है वो निकाल के ऐसे थोड़ा सा पानी इसके ऐड करूंगी और ऐसे करके इसको जूस को थोड़ा निकाल के पूरा जूस निकाल लीजिए। देखिए कैसे जूस आ रहे हैं। इसको मैं नरम कर लेती हूँ। ऐसे करके मैंने जो जूस है ये ताल के अंदर जैसे जूस है ये निकाल के लेते हैं। देखिए कैसे ये पूरा जूस निकल गई। ये मेरे जो ताल है ये जो जूस है मैं निकल के ले लिया। और जो अभी जो जो चाहिए मेरे ये इसके लिए मैंने ये नारियल लिया, ये मैदा, ये चीनी, थोड़ा सा नमक। और मैंने ये जो चावल है ये चावल भिगा के मैंने इसे मिक्सियर में मैंने पीस लिया। इसी जगह आप चावल के आटा ले सकते हैं। मेरे पास ऐसे अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने चावल को भिगा के ये मिक्सर में पीस लिया। तो चलिए मैं सब ऐड कर रहे हैं। ये मैदा एक कटोरी मैदा मैंने ये डाल रही। फिर ये चीनी, थोड़ा सा नमक और ये नारियल। ये जो चावल के पेस्ट है मैं वो डाल रही। बस मैं कर लेती हूँ, मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने ये गोला बना लिया और ये ऑयल भी डाल दिया कढ़ाई में। तो जब तक ये गर्म हो रहा है मैं वेट कर रही। अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो बड़ा बनाते हैं उसके अंदर ऐसे पका के मैं ऑयल के अंदर डाल रही। ऐसे करके मैंने पूरा पूरा मैंने छोटे छोटे बड़े आकर मैंने फ्राई कर लेते। देखिए मैं कढ़ाई में सब डाल दिया, अभी फ्राई हो रहा है। ये मैंने फ्राई कर लिया। अभी मैंने इसको उठा लेते एक एक करके। देखिए मेरे बड़ा बनके तैयार हो गई। तो मैंने ये रेसिपी जो बताई थी तो ये तालेर बड़ा बोलते हैं इसको, तालेर बड़ा बंगाल में सब यही नाम से जानते हैं। तो ये जो रेसिपी है तालेर बड़ा, तो देखिए कितनी सुंदर बनके तैयार हो गई। आप लोग ज़रूर बना के देखिए, जहाँ पे ये मिलता है ताल तो एक बार बना के देखिए कैसे है। ज़्यादातर ये साउथ में और बंगाल में मिलता है, तो एक बार बना के देखिए और जहाँ भी मिलता है एक बार टेस्ट करके देखिए कितने सुंदर है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।